हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आज सेट को हम समाप्त करने वाले हैं और जिसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके नियम होते हैं और जो फॉर्मूलेस होते हैं, आज उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। बाकी पिछले क्लास में तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने पूरा डिस्कशन किया था, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए आज के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं सेट्स के और जो इम्पॉर्टेंस लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसके बारे में आज के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और आज ये हम सेट वाला चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, फिर इसके बाद हम रिलेशन फंक्शन पे आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो अगले आने वाली वीडियोस होंगी उन पे हम बात करेंगे। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आप एक बार बता जरूर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सेट की, जिसके थ्रू आप मतलब उसको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेट के देख लीजिए, ये आज लास्ट क्लास है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है, तो जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं सेट में वो कैसे लागू होते हैं, आइए उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है, फर्स्ट नियम जो हमारा है वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेम्पो होगा, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। ये लॉ हमारा क्या बोलता है कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी नहीं, इसको मिटा देते हैं, फिर से दूसरे कलर से लिखते हैं इसको। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडेम्पोटेंट का मतलब एक जैसा, एक जैसा का मतलब ए का यूनियन अगर हम ए में करेंगे तो भी ए ही आएगा, या फिर ए का इंटरसेक्शन ए में करेंगे तो भी ए ही आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रूल हो जाता है, ये हमारा कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सब रूल्स हैं, आपको केवल याद करने हैं। ठीक है, अब इनको एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्मल है। अब देखिए दूसरा रूल्स क्या है, आइडेंटिटी लॉस। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन फाई बराबर ए, और एक इसका फॉर्मूला होता है, सबके लगभग लगभग दो ही फॉर्मूले हैं, दो लगभग लगभग हमारे हिसाब से सबके फॉर्मूले हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर ए, है ना। कहने का मतलब है ए का अगर फाई से यूनियन करेंगे तो भी ए आएगा, अगर ए का इंटरसेक्शन यू से करेंगे, यूनियन से करेंगे तो भी ए ही आएगा। ठीक है, ये सब है, चाहे तो इसमें और लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। ठीक है, और लगा लीजिए या फिर दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है ना, तो देखिए ये दो फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पर, और तीसरे फॉर्मूले की ओर आते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, तीसरा हमारा कहलाता है कॉमुटेटिव। ठीक है, कॉमुटेटिव लॉ। ठीक है, और दोस्तों कुछ लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी पढ़ाई, तो देखिए अगर इसका हिंदी बताने बैठेंगे ना तो हिंदी तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि किसी में तत्समक लिखा होगा, किसी में आपको लिखा होगा धनात्मक ऋणात्मक, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप ये मानिए कि इसमें CBSE ICSE UP बोर्ड सभी के बच्चे बैठे हुए हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना होता है, तो इसीलिए मैं आपको जो चीज़ हिंदी में समझानी होती है मैं हिंदी में समझा देता हूँ। और बाकी इंग्लिश इसमें तो वैसे कुछ खास कठिन है नहीं, मैथ में तो आप हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, सब नॉर्मली है उसके लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ की। ये हमारा क्या कहलाता है, तो कॉम्पिटिटिव लॉ का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, तो कहने का मतलब ए का बी के साथ यूनियन करेंगे तो बी यूनियन ए भी, ये भी बराबर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए आएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ बोलता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा अंदर है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, वही चीज़ तो लिखी हुई है, बाकी अलग कुछ नहीं है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये हमारा जो फिफ्थ आता है, ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, ये सब आप समझ जाएंगे, नॉर्मल है, एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा था, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसी को आप अलग कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
इंटरसेक्शन सी, है ना, एक्स्ट्रा हो गया ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये हमारे जो पांच नियम थे ये मैंने आपको बता दिए, इसमें कौन कौन से थे, आइडेंपोटेंट लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था, ये आपको बता दिया गया, कम्यूटेटिव लॉ ये भी बता दिया गया, एसोसिएटिव लॉ ये भी बता दिया गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी इसको बता दिया गया। अब एक इसमें आप इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो हमारा होता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमें लग रहा है पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई आईसीएसई, कहीं पे भी आप तैयारी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, ये सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ इसको बता देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहली बात तो, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ ये रूल्स क्या बोलता है इसके बारे में बताते हैं। ए यूनियन बी, है ना, डैश, इसको डैश बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपको बोलना चाहें, ठीक। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसलिए बोलते हैं डैश ताकि सरल हो जाता है, बाकी जो कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है पीछे, मैंने आपको बताया कि ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी डैश, है ना। तो ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले, आप ध्यान रख लीजिएगा इसका, है ना, ये वाला और ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी करना है और आपके काम भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, एक होता है थ्री सेट फार्मूला, एक और होता है थ्री सेट फार्मूला होता है, और यूनियन इंटरसेक्शन से दो तीन फार्मूले और होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आइए डिस्कशन कर लेते हैं आज। लगभग लगभग सब फार्मूले वाली ही क्लास है, तो आपको कुल मिला के ये चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, इसको बोलते हैं थ्री सेट फार्मूला, ठीक है। थ्री सेट फार्मूला क्या होता है, कौन सा नंबर डाल दें इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नंबर नहीं पड़ा इसमें, चार पाँच छः सात जो भी आपने डालना चाहें डाल सकते हैं। थ्री सेट फार्मूला क्या कहलाते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री सेट फार्मूला में, इसका फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, अब देखिए वहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हो तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन ए माइनस सी, ठीक। अब देखिए ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। अब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इसको क्या बोला था थ्री सेट फार्मूला, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसे पॉइंट डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली, मतलब कहने मतलब जो क्वेश्चंस आपके मेजॉरिटी बनेंगे वो आपके डी मॉर्गन्स लॉ से बन जाएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट 11th 12th के लेवल पे बनते हैं वो बनते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन से बनते हैं। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू एंड थ्री सेट, ठीक है। तो इसमें से अब देखिए इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं, एन ए यूनियन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब देखिए जो तीसरा फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एन बी माइनस ए, जैसे ए माइनस बी का था उसी तरीके से बी माइनस ए का हो जाएगा, तो यहाँ पे एन ए की जगह बी आ जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और देखिए एक फार्मूला और होता है, ये जो सब थे ये आपके दो सेट के लिए थे, ये वाला ये वाला ये वाला। अब जो एक लास्ट आता है इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, लास्ट वाले तक ही सब क्वेश्चन हो जाते हैं, तो लास्ट वाला वो थ्री सेट के लिए बनेगा। तो लास्ट वाला मैं आपको लिखा, तो फिर इसके बाद लगभग लगभग सब फॉर्मूले से कंप्लीट हो चुके हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस
एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये पहला वाला था, ये वाला पहले वाले में मान लीजिए अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हमारा, ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारा क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी, है ना, एन यहाँ पे हो जाएगा, एन ए यूनियन बी हमारा क्या जाएगा, एन ए प्लस एन बी, क्योंकि हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आ गया था, तो ये फाई हम यहाँ पर रख देंगे, तो एन ए यूनियन बी हमारा क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपके सब क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से लग जाएंगे। ज़्यादा कठिन पूछेगा तो ये वाला पूछ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं, अधिकतर तो पहले वाले क्वेश्चन से ही हो जाते हैं सवाल, है ना। ये जो पहला वाला है यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर तो पहले वाले से हो जाते हैं, नहीं तो आपको ये मान लीजिए दूसरा तीसरा चौथा याद आप सब कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में अधिकतर आने के चांसेस जो पहला वाला है उसी के हैं, बाकी फिर दूसरा तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहला और जो लास्ट वाला है इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, और सब मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करा दिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर सकें। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।